हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सीयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और फाइनली रिजल्ट्स भी आ चुका है, आपको पता ही है। लेकिन इस वीडियो में हम मिनिमम कट ऑफ कितने जा सकते हैं, कम मार्क्स जिनका आया है उनका एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। हम अभी एक यूनिवर्सिटीज है, दैट इज़ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में देखेंगे तो ये भी है, टोटल 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में इनका भी एक नाम है। अगर आप इनके BBA का अगर आप कट ऑफ देखेंगे, वो भी आप देख लीजिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट है। मतलब फर्स्ट लिस्ट आया था एंड देन सेकेंड मेरिट लिस्ट आया, और इनको बेसिकली जो है 13 सितंबर को ही दिया गया था कि 13 सितंबर को आपको पहुंचना, 29 को रिलीज़ किया गया था। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि मैं आपको बस यही आइडिया देना चाह रहा हूँ कि देखिए कट ऑफ कितने कम जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, देखिए कुछ जो डिमांडेबल यूनिवर्सिटीज़ है उसके कट ऑफ हाई रहेंगे, लेकिन इसका मतलब इनके बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। क्योंकि ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर एडमिशन ले चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी अपना टाइम ख़राब नहीं करना, इसका मतलब ये है। क्योंकि अगर आप ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, अभी रिजल्ट्स आ रहा है, लेकिन होपफुली इनके क्लासेस जितने भी हो सब ज़्यादातर नवंबर से स्टार्ट होंगे, और जब अगर नवंबर से स्टार्ट होंगे तो मुश्किल से फिर 4 से 5 मंथ बचेंगे न्यू सेशन के लिए। और ऐसे में स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा पैनिक है, ये थोड़ा परेशान है कि ये 5 मंथ में ये लोग कैसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वजह से जो है कुछ बच्चे एडमिशन नहीं भी ले रहे, इवन सिलेक्शन होने के अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी वो एडमिशन नहीं ले रहा, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कोई भी स्टूडेंट्स अपने आप को अभी ही डिसाइड नहीं कर ले, हमारा नहीं होगा। हाँ, कुछ आप सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को फिल कर लीजिए। अब जैसे कि हम यहाँ पे अगर बात करिए, हालांकि ये सेकंड लिस्ट है, अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल जो है लगभग 45 स्टूडेंट्स का नाम आया है, और इनको ये बताया गया है कि आप भाई इसके थ्रू आप पेमेंट करिए, वो वट एवर जो भी हो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे जनरल यू आर, तो आप समझते हैं जनरल का कट ऑफ देखिए 7.69। ये क्या है, ये परसेंटाइल मेथड है, इस तरीके से रॉन बिनोई करके है ये। अब थोड़ा सा एक कॉमन यहाँ पे सवाल हो सकता है कि ये तो काफ़ी दूर एरिया में है, तो यहाँ पे हम कैसे जा सकते हैं। हमारा मतलब यहाँ पे ये था कि आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरीके से इतना लो कट ऑफ जा सकता है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी कट ऑफ लो जा सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी से ही अगर आप ये डिसाइड कर लेते कि हमारा नहीं होगा तो फिर आप गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए मतलब लास्ट 45, 37, 33, 31, 26 परसेंटाइल 9, 55 परसेंट नल, मतलब जीरो, एक बंदे का नहीं, उसका भी ले लिया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स का कितने कम मार्क्स पे से, तो आपका भी चांस बन सकता है। बाकी मैं यही कहूँगा, आप जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किए यूनिवर्सिटी मेंशन करिएगा थोड़ा, और हम उसी हिसाब से उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियोस बनाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स को भी आइडिया लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई रहेंगे, एक मॉडरेट लेवल और मिनिमम भी जा सकते हैं। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।